मेघा सिंह और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही सियासत काफी गर्मा चुकी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में पार्टी का जो है साथ उन्होंने छोड़ दिया। वही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी सोनिया गांधी पर पार्टी छोड़ने के साथ साथ कई सारे आरोप लगाते हुए वो पार्टी से गए हैं। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी अब गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बड़ी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सिंधिया ने जो है बीजेपी की तरफ से गुलाम नबी आजाद के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी और अब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अब गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया सामने दी है। साथ ही यहां पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है स्मृति ईरानी ने। जी हां, यहां पर स्मृति ईरानी का गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर यही कहना है कि गुलाम नबी आजाद तो आज आजाद हुए हैं लेकिन अमेठी जो है कई सालों पहले ही आजाद हो गई थी। जी हां, जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का गढ़ अमेठी को अपने हाथों से यहां पर स्मृति ईरानी ने छीना था, उसके बाद अब फिर से एक बार राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आ रही है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आपको बता दें कि हाल ही में अमेठी का दौरा करने गई थी और वहीं पर जब उनसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी अभी यही सवाल अपने पार्टी के मेंबर्स से कर रही है तो मुझे जवाब देने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। साथ ही यहां पर अमेठी के लोगों को कहा कि यहां पर आजाद जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से अमेठी के लोग आजाद हो चुके हैं और अब गुलाम नबी आजाद भी जो है कांग्रेस पार्टी से आजाद हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरा है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और ऐसे में एक बार फिर से अमेठी में राहुल गांधी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है स्मृति ईरानी। और यहां पर देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से कहा कि 3 साल पहले ही अमेठी आजाद हो चुकी है और राहुल गांधी पर जिस तरह से तंज कसा है अब इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस पार्टी क्या कहती है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही यहां पर गुलाम नबी आजाद ने भी जिस तरह से राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगाए हैं, राहुल गांधी ने अभी इस इल्जाम को लेकर कुछ भी सफाई नहीं दी है ना कोई प्रतिक्रिया दी है जिसका इंतजार अब सभी कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि गुलाम नबी आजाद और स्मृति ईरानी के यहां पर प्रतिक्रिया के बाद अब क्या जवाब जो है राहुल गांधी की तरफ से आता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।